वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइलिंग दीवा। सो गाइज, आज मैंने यहाँ पे समर स्ट्रीट प्रूफ मेकअप दिया है। आप इसे डे टाइम पार्टीज़ में भी कर सकते हैं एंड आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। तो फटाफट से देख लेते हैं हमने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने एक आइस क्यूब लिया है एंड इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। इससे मेरी जितने भी ओपन फोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे एंड मेरा मेकअप काफ़ी टाइम तक स्टे रहेगा एंड जो स्वीट प्रूफ भी रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ज़ोमा का रोज़ वाटर ले रही हूँ। इसे मैं अपने पूरे स्किन में डैप करूँगी, पोछूँगी नहीं, डैप करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो गाइज, आप समर्स में जेल्स यूज़ किया कीजिए, मॉइस्चराइज़र अवॉइड किया कीजिए। इससे आपके फेस को हाइड्रेशन भी मिलता है और प्राइमर का भी काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 11 का प्राइमर ले रही हूँ। ये जेल बेस्ड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ऑयल फ्री है, तो समर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है। तो मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पॉन्स बीबी क्रीम लिया है और ये काफ़ी अच्छा बीबी क्रीम है। इसमें SPF 30 है, PA++ है, तो ये आपका एक अच्छा खासा सनस्क्रीन का भी काम करेगा। मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर पॉइंट करके लगाऊंगी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी, तो काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। तो देख सकते हैं ये येल्लो अंडर टोन है, तो काफ़ी अच्छा ही है। मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसे अपने फेस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेस टीच का कंसीलर लिया है। इसमें मेरा शेड है 02 वार्म बाइट। मैं इसे अंडर आइज, लिड्स पे, नोज पे, फोरहेड पे एंड लिप्स के अराउंड लगाऊंगी एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। इसमें मेरा शेड है स्किन और इससे मैं अच्छे से अपना पूरा बेस सेट कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने अपना फाउंडेशन लगाया वहाँ वहाँ सेट कर लूँगी मैं। इससे मेरा मेकअप काफ़ी टाइम तक टिका रहेगा और पसीना भी नहीं आएगा। तो समझ में, आप जब भी मेकअप करें तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से उसे सेट जरूर कर लिया कीजिए। अच्छे से सेट कर लूँगी मैं, नेक में भी थोड़ा सा सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो को कॉम किया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लेकर अपनी आईब्रो बना ली है। मैं अपने नेचुरल शेप को ही फॉलो करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ मिस गोल्ड का मिनी आई शेडो पैलेट लिया है। इसमें से एक पिंक कलर लेकर मैं अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करूँगी इसे। उसके बाद सेम पैलेट से ब्राउन कलर लेकर मैं उसी पिंक के ऊपर फिर से ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू गर्ल का पैलेट ले रही हूँ। उसमें टैन शेड्स आते हैं और सारे शिमर शेड आते हैं, तो मैं उसमें से ही एक कॉपरिश कलर लेकर अपने लिप्स पे लगाऊंगी। स्वीट प्रूफ मेकअप था इसलिए मैं काफ़ी सिंपल रख रही थी इसे, जितना हो सके उतना सिंपल। मैं अच्छे से इसे लिप्स पे लगा लिया था। उसके बाद मैं एक ब्राउन कलर लेकर अपने लोअर लैश पे ब्लेंड कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट से एक डार्क कॉपरिश कलर जो मैंने लिप्स पे लगाया था उससे भी थोड़ा डार्क कलर लेकर मैं अपने लोअर लैश के इनर कॉर्नर्स पर लगाऊँगी। दोनों इनर कॉर्नर्स पर लगा लूँगी।
उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ आईलाइनर लिया है। तो गाइस समर्स में आप वाटरप्रूफ आईलाइनर ही यूज़ किया कीजिए, वरना गर्मी से वो फैल जाएगा, तो आप वाटरप्रूफ आईलाइनर ही यूज़ किया कीजिए। ये काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। मैं अच्छे से इससे एक मोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से ये विंग ड्रॉ करता है। तो अब मैं मिस गोल्ड का मिनी आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ब्राउन कलर लेकर अपनी कॉन्टोरिंग करूँगी। तो गाइस समर्स में आप पाउडर कॉन्टोरिंग ज़्यादा किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्वेटिंग नहीं होता और आपका बेस सेट भी रहता है। तो आप क्रीम कॉन्टोर स्किप किया कीजिए, वरना आपका स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पाउडर कॉन्टोरिंग ही किया कीजिए समर्स में। तो मैं इससे अच्छे से अपने हॉलो ऑफ द चीक्स, नेक, फोरहेड, नोज पे अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इन कलर का मस्कारा ले रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आपके लैशेस को काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देता है। मैं इसे अपने लोअर लैश एंड अपर लैश दोनों पे अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम दे देता है आपके लैशेस को, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये मस्कारा। उसके बाद मैं यहाँ पे सिज ब्यूटी 4 कलर ब्रश पैलेट ले रही हूँ, उसमें से एक रेडिश कलर लेकर मैं अपना ब्लश करूँगी। ये रेडिश कोरलिश कलर है, बहुत ही पिगमेंटेड है, और मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा लगा लिया था, बट मैंने बाद में से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ठीक कर लिया था। तो आप कभी कभी ब्लश ज़्यादा लग जाए ना, तो आप इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके उसे कम कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से इसे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर लुक का हाईलाइटर लिया है, इसमें मेरा शेड है 02, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है। मैं इसे अपने चीक्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड को पे एंड चिन पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे अच्छे से लगाऊंगी। ये काफ़ी अच्छा ग्लो दे देता है आपके फेस पे, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी, अच्छे से दोनों ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेज यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी मैट लिक्विड लिपस्टिक लिया है, इसमें मेरा शेड है वैक्सन एंड काफ़ी अच्छा पिंक कलर है। आपकी लिप्स पर 24 आवर्स स्टे रहता है, तो मैंने पहले इससे अपने लिप्स को शेप दिया, उसके बाद फिल किया, ऐसा करने से फैलेगी नहीं, काफ़ी क्रीमिश लगती है लिपस्टिक। मैं अच्छे से इसे लगा लूँगी अपने फेस पे, लिप्स पे, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी। सो मैं अब यहाँ पे ब्यूटी बैरी का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, इससे मैं अपना पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की ऐप से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव कर दूंगी, और ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स को, एंड सब्सक्राइब के ऊपर में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड बाय बाय।